हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई जी बे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल का परीक्षा जो हुआ था 19 मार्च 2018 टीयर वन, ठीक है। उनमें से आए हुए क्वेश्चन सामान्य जागरूक का, जिसको जनरल अवेयरनेस कहते हैं, उसके 25 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जो कि 19 मार्च 2018 को पूछे गए थे, ठीक है। इसके पहले वीडियो में भी हम लोग देखे थे, ठीक है, वो जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन इस वीडियो में भी हम देखेंगे। और जो इसके पहले वीडियो हम लोग बना चुके हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रेंट सूचकांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है, ठीक है। कच्चे तेल की कीमतों के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अलप्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, न्यूजीलैंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो मेघना, मेघना के नाम से जानी जाती है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो ये पतंजलि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था, बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक होता है ना, उसको कब अपनाया गया था, 1971 में अपनाया गया था, ठीक है। द्रव्यमान संख्या हमेशा किसके बराबर होता है, तो प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के अलावा भी सम्मिलित है, कौन कौन से अधिकार सम्मिलित हैं, तो स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार, पीने का अधिकार, ये तीनों अधिकार सम्मिलित है भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 में। जीवन का अधिकार यानी कि राइट टू, जीवन के अधिकार के अलावा स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार और पीने का अधिकार सम्मिलित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी है, ठीक है। कौन सा संशोधन अधिनियम के तहत नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी गई है, तो ये 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत नगर पालिका को मान्यता दी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सी सही मैचिंग नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 के बीच में हुआ था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1971 से 1976 और चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से लेकर 1971, तो ये सही नहीं है, यानी कि ये गलत है। बाकी जो तीनों हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में हुई थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच में, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच में, ये तीनों सही है, चौथा गलत है, सही नहीं है। अगला 10वां क्वेश्चन, मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था, तो ये पाटिल, ठीक है। देखिए, मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा, तो पाटिल अधिकारी का नाम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गोविंद स्वामी पिल्लाई का संबंध किस वाद्ययंत्र से है, ठीक है, तो उसका नाम है वायलिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किस देश के पार्लियामेंट ने एक कानून पारित किया है जो पुलिस की शक्तियों को समित करेगी, यानी मतलब अधिक करेगी, ठीक है। तो किस देश के पार्लियामेंट ने एक कानून पारित किया है जो पुलिस की शक्तियों को समित करेगी, वह इजराइल देश है, जो कि इजराइल देश के पार्लियामेंट ने इस कानून को प्रतारित किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2017 में ब्लू प्लेनेट प्राइज 2017 से सम्मानित किया गया था, ठीक है। ब्लू प्लेनेट प्राइज 2017 से सम्मानित किया गया था, तो हंस जो आईचम सेलहुलवेर को सम्मानित किया गया था।
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? एथेनॉल कार्बनिक यौगिकों के लिए एक अच्छा विलायन है। दूसरा, एथेनॉल के ग्लानक वो कनेक्ट पानी का तुलना से कम होता है, ठीक है। तीसरा, एथेनॉल का उपयोग टीचर आयोडीन में किया जाता है। तो तीनों सही है, ठीक है, तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिकों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? अपशिष्ट पदार्थ नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिकों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल के अणुओं की प्लाज्मा झिल्ली से चाल कहा जाती है, यानी जल के अणुओं की प्लाज्मा झिल्ली से चाल यानी प्रसरण कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है? प्रसरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है कि नवंबर 2017 में भारत नेट योजना क्या कौन सा योजना का क्या नाम है? भारत नेट योजना का दूसरा चरण लोकांतरित किया गया था। इसका परित्यक्त लगभग कितना है? तो कितना है? 34,000 करोड़ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नासा ने अपने डैश अभियान के लिए नवंबर 2017 में प्राधुनिक अवतरण पैरासूट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कब किया था? मार्च 2020 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2017 में किसने 11,370 करोड़ का भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO लोकार्पित किया था? जी आई सी किया था, ठीक है। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी की सतह पर घूर्णीय वर्णन जी है, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स जी है, तो ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से आधा है तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो, उस पर घूर्णीय वर्णन क्या होगा? तो G/2। देखिए इसका कहने का मतलब है कि यदि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण यानी कि अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो जी है, ठीक है, और है तो ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के यानी कि ऐसा तो कोई, ये देखिए अर्थ है, एक दूसरा ग्रह है, ठीक है, मान लीजिए इसका ग्रेविटेशन फोर्स G/2 है, ठीक है, द्रव्यमान आधा है, पृथ्वी के द्रव्यमान आधा है तथा त्रिज्या यानी कि रेडियस सेम है, R1=R2 है तो बराबर है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण अपरण क्या होगा? तो इसका उस ग्रह पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? G/2 होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, टोटल 25 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखें जनरल अवेयरनेस के, जो कि SSC CHSL में पूछे गए थे 2018 में, ठीक है, टायर 1 में। तो इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि SSC CHSL का जो 2020 में पेपर होने वाला है मार्च में, उसमें जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वीडियो के बारे में या कुछ कंटेंट के बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना बात रखिएगा, यथासंभव हम सभी के कमेंट पढ़ते हैं और आपके कमेंट के अनुसार हम अपना सुधार करने की कोशिश करते हैं। हमारा ये वीडियो अगर आपकी तैयारी हमारा ये वीडियो आपके स्टडी में तैयारी में अगर जो हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।